देखिए, आज हमारे वहाँ बारिश हो रही है। आज 8 तारीख जनवरी की, जाड़ों में बारिश, और हमारा एक अडेनियम खराब हुआ है जिसको अभी ट्रीट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जाड़ों में, अडेनियम में ये दिक्कत आ ही जाती है। ये देखिए, पूरा अंदर रॉट हो गया है ये। देखिए इसको, नए चाकू को स्टरलाइज करके हम लोगों ने देखिए, हम लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा वाइट पोर्शन निकल जाना चाहिए, जितना भी ब्लैक हो वो हट जाना चाहिए, क्योंकि वही रॉटिंग, अगर वो रह जाएगा तो आपके में रॉटिंग दोबारा से कर सकता है। इसलिए वो पूरी तौर से साफ होना चाहिए। ये देखिए, पूरा एक एक पोर्शन साफ करके निकाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें हो गई थी रॉटिंग, और ये समय समय पे हम लोगों को अपने पेड़ों को चेक भी करना होता है। अगर नहीं चेक कर देंगे तो ये ऐसी ही दिक्कतें आ जाएंगी। और हमारा पेड़ खराब हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए इसकी खराब हुई जड़, जो कि इस रॉटिंग जहाँ से शुरुआत हुई थी, ये निकाल दी गई है इसमें से। अभी बस थोड़ा सा और पोर्शन बचा है। बाकी हमारा प्लांट पूरा हेल्दी है। पीछे भी देख लीजिए, कहीं पे है गड़बड़ी क्या? सारी चीज़ें ओके हैं। अब इसमें हम लोग फंगीसाइड पाउडर लगा के इसको कहीं पे हैंग कर देंगे। ये देखिए, हम लोग फंगीसाइड पाउडर का इस पे
कोट लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस पे, ताकि इस पे कोई फंगस ना आए और आगे की रोटिंग से ये बचा रहे। इसके लिए ब्रश से करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे उंगलियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, और हाथ से इसे लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जहरीला होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कोई ब्रश वगैरह जो आपके पास हो उससे आप इसको अप्लाई करें, डायरेक्ट हाथ के संपर्क में ना आए। और उसके बाद लगाने के बाद साबुन से अच्छी तरीके से हाथ अपने धो लें। अच्छे से हर एक जगह पे इसको अप्लाई करना है, ताकि कहीं भी रह ना जाए। तो ये देखिए फंजीसाइड पूरी तरीके से अप्लाई हो चुका है हमारा। अब इसको हम लोग हैंग कर देंगे। ताकि जब इसे फरवरी में हम लोग रिपोर्ट करें तो इसमें अच्छी ग्रोथ आए। और इसका ये रॉटिंग इशू भी दूर हो जाए। ये देखिए पूरे पे अप्लाई कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई टूटी जड़ हो या कुछ हो तो उस पे फंगस ना आ पाए। अभी भी हमारे वहाँ लगातार बारिश चालू है, पानी बरस ही रहा है। देखिए आप लोग, बूंदियाँ पड़ रही हैं। ये नज़ारा है हमारे वहाँ। ये छोटी सी एडेनियम की हमारी क्यारी है, कलेक्शन है। ये देखिए अब अप्लाई हो चुका है लगभग लगभग। ब्रश से यही फायदा होता है कि आप जहाँ पे उंगलियाँ नहीं जा सकती हैं वहाँ पे ब्रश जाके आराम से फंजीसाइड अप्लाई हो सकता है। ये एक छोटी सी पहल है हमारी, इसको आप लोग देखिए और इससे कुछ बहुत अगर सीखने को मिले तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये देखिए इसको एक अच्छी सी जगह देख के जहाँ पर हवा भी हो और रोशनी भी हो, जैसे ये खिड़की है हमारे वहाँ इधर और इस तरफ दरवाज़ा है, तो ये यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। और इस तरीके से हमने इन लोगों इनका ट्रीटमेंट कर दिया है। अब देखिए क्या होता है, आगे की अपडेट मैं फिर से दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।